अमरीका की दक्षणी सरहद ते 17 भारतीयों के फड़े जाण मगरों टैक्सस के रियो ग्रैंड इलाके 8 प्रवासियों दी लाशां बरामद होने की रिपोर्ट है। मैक्सीको तो टैक्सस के रस्ते अमरीका विच दाखल होने वाले प्रवासियों नूं ईगल पास नेड़े एक वड्डा दरिया पार करना पैंदा है अते हर प्रवासी के जुस्से विच इन्नी ताकत नहीं हुंदी कि उह तैर के दूजे कंडे तक पहुँच जाए। कस्टम्स अते बॉर्डर प्रोटेक्शन अधिकारियों ने दसिया कि वीरवार को गैर कानूनी प्रवासियों का एक वड्डा ग्रुप सरहद पार कर रहा सी तां भारी बारिश कारण दरिया विच पानी का पद्धर काफ़ी वध गया। प्रवासियों ने खराब मौसम अते पानी के तेज़ वहा की परवाह ना करदिया दरिया पार करन दा यतन कीता अते इन्हां विचों कुछ नाकाम रहे। 6 लाशां अमरीका के बॉर्डर एजेंटा ने बरामद कीतियां जबकि 2 लाशां रुड़ के मैक्सीको चलियां गईयां जिन्हां नूं मैक्सीको दे एमरजेंसी क्रू ने बाहर कढ़िया। अमरीका दे बॉर्डर एजेंटा वल्लों 37 जणियां नूं पानी विचों सुरक्षित कढ़िया गया जबकि मैक्सीको दे अधिकारियों ने 39 जणियां नूं हिरासत विच लिया। मरण वाले प्रवासियों जां हिरासत विच लए प्रवासियों दे मुल्कां बारे कोई जानकारी नहीं दित्ती गई। यह इलाका 395 किलोमीटर विच फैलिया होया है अते हज़ारां दी गिणती विच गैर कानूनी प्रवासी इतों लंघन का यतन करते हैं। बॉर्डर एजेंटा ने कहा कि जदों दरिया नको नक भरिया होंदा है तां चंगे तैराक भी इसनूं पार करन दे समर्थ नहीं होंदे पर विचारे प्रवासी अपनी जान जोखम विच पा बैठते हैं। अमरीका दे बॉर्डर एजेंट पिछले साल अक्तूबर तो इस साल जुलाई महीने तक 200 तो वध प्रवासियों दीयां लाशां बरामद कर चुके ने। उधर संयुक्त राष्ट्र वल्लों करवाए सर्वेखण मुताबक मैक्सीको तो अमरीका दाखिल हो रहे प्रवासी कई किस्म दीयां करोपियां दे शिकार बनते ने जिन्हां विच अत दी गर्मी पानी की कमी या डूंघे पानी विच डुबना शामिल ने। चेते रहे कि 2 महीने पहला टैक्सस के सैन एंटोनियो विखे एक ट्रक विचों 53 तो वध प्रवासियों दीयां लाशां बरामद कीतियां गईयां सन जो दम घुटन कारण मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट हमदर्द टीवी।